भाई और बहन में स्नेह और प्रेम का प्रतीक कर्मा पूजा आज पूरी प्रदेश में सादगी से मनाया जाएगा। प्रकृति का पर्व कर्मा पूजा आदिवासियों की प्रमुख त्योहारों में से एक है। भादो मास यानी एकादशी के दिन यानी कि आज जाने माने इस पर्व को झारखंड छत्तीसगढ़ सहित देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की एक अनोखी कहानी है और इस पर्व को प्रकृति से जुड़ा हुआ माना जाता है। सात भाई और उनकी पत्नियों पर आधारित है। सात भाइयों में सबसे छोटा भाई और उसकी पत्नी काफी धनवान थे, लेकिन शादी की लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होने से दोनों काफी चिंतित रहते थे। एक दिन ननका को स्वप्न में गांव देवती प्रकट होती है, जिन्होंने उन्हें कर्मा की पूजा करने की सलाह दी, जिसके पश्चात उन्हें जुड़वा संतान की प्राप्ति होती है। कर्म और धर्म करने के अनुरूप संतान की प्राप्ति होने को लेकर दोनों पति पत्नी ने बड़े पुत्र का नाम कर्मा और छोटे पुत्र का नाम धर्मा रख दिया। इसके बाद से ही कर्मा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने लगा। ये कर्म पूजा हम लोग माने कि भादो एकादशी के दिन में शुक्ल पक्ष में हम लोग मनाते हैं, और कर्म को विशेष रूप से हम लोग माने प्राकृतिक पूजा भी कह सकते हैं इसको। और ये कर्म जो है वो बहने अपने भाई के सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए मनाती है, साथ ही साथ अपना जो भावी जीवन है उसके वास्ते भी कर्म का व्रत रखती है। कर्मा पर्व की कई विशेषताएं हैं। एक तरफ जहां भाई बहन की पवित्र रिश्ते को मजबूत करती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति का संरक्षण को भी दर्शाती है। भादो माह का आगमन के साथ ही कर्मा पूजा की तैयारी में लोग जुट जाते हैं। युवक युवतियों संग कर्म पेड़ की डाली को जंगल से काट कर अखरा में लाते हैं और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग कर्मा का तैयारी तीज के दूसरे दिन से जवाब तीज का जवाब बहाते हैं और इनका हम लोग कर्मा का उठाते हैं, तो उस दिन से ही हमारा तैयारी शुरू हो जाती है। पूजा इसको उठाने समय हम लोग की बच्ची छोटी छोटी बच्ची लोग जाती है नदी, वहाँ से बालू लाती है और हम लोग 9 किस्म का अनाज एक साथ उसे उस बालू में बोते हैं और जवा उठाते हैं, और उठा के मतलब हर दिन उसको शाम के समय निकाल के उसका पूजा पाठ करके जवा जगाते हैं। नृत्य से पूजा पाठ करके नृत्य करके उसका मतलब जवा जगाने का काम करते हैं कि ठीक ठाक से हो बोल के। आदिवासी समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाती हैं। तमाम गांव मोहल्लों के अखड़ा को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसमें गांव की बच्चे बच्चियां, युवक युवतियां और बूढ़े बुजुर्ग सभी शामिल होकर नाच गान करती हैं। लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना संक्रमण का साया है, लिहाजा तमाम आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हर्षोल्लास के साथ कर्मा पर्व मनाने का निर्णय लिया है। और इस त्यौहार से साफ हम लोग संदेश देते हैं कि कैसे हम लोग अपने भाई भाई में, कैसे हमारे भाई बहनों के बीच में प्यार का अटूट रिश्ता, जो हम लोग पूरे समाज के दुख और तकलीफों को मिलकर कैसे हम लोग सामना करेंगे, ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है। और साथ ही साथ हमारे जो खेती, जो अन्न जो उपजता है, उसको जो है बेहतर कैसे हो, इसके लिए हम लोग हमारे आदि शक्ति से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये अन्न जो है बेहतर अन्न हो और बढ़िया अन्न हो, ताकि हम लोग समाज कोई भूखा ना रहे, कोई गरीबी में जो है भूख से ना मरे। आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति इनके पर्व त्योहार और परंपराओं में देखने को मिलती है। सदियों से आदिवासी समाज के लोग प्रकृति से जुड़े हैं, यही वजह है कि आदिवासियों को प्राकृतिक पूजक कहा जाता है, जो आपसी भाईचारगी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को दर्शाती है। आदिवासी समाज के लोग इस पर्व को इतना पवित्र मानते हैं कि सभी शुभ कार्य की शुरुआत इसी दिन से करते हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।